अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू के चपली कबाब। तो ये हैं आलू, 3 से 4 अदद ले लिए हैं और मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद जो है इसका पानी जो है वो मैंने निचोड़ के जो है वो बिल्कुल इस तरह से कर लिया है, बिल्कुल जो है वो ये इस टाइप के हो जाएंगे। आपको 3 से 4 आलू लेके आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास है प्याज, पुदीना, 3 से 4 अदद जो है वो हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली हैं, और 3 से 4 अदद लहसुन के जुए जो है वो चॉप किए हैं, 1 कप बेसन का है, और 1 अदद टमाटर है जिसके मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, यानी कि बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच, नमक हसबे ज़ायका 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया खुश्क और ये साबित धनिया, इसको मैंने सिलबट्टे पे जो है वो बारीक बारीक पीस लिया है इस तरह से। और जो लाल मिर्च कम लोग पसंद करते हैं वो इसका 1/2 टीस्पून भी कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये हमारे पास आलू हैं, आलू के चपली कबाब बनाएंगे। तो ये हमारे पास जो आलू जो हमने कद्दूकश किए थे, अब इसमें ऐड करेंगे ये जो हमने काटा हुआ था, ये मिर्च जो हमने पीसी थी, लहसुन, टमाटर ऐड कर दिए हमने, ये जो सारे मसाले थे जो हमारे पास थे ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे, बेसन 1 चम्मच जो हमने 1 कप लिया था इसको भी हमने ऐड कर दिया। अब इसको हल्के हाथों से जो है वो मैश कर लेंगे सारे मसालों को। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी जो है वो आलूओं का इतना पानी होता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आप हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से जो है वो मैश कर लेंगे ताकि ये मसाले जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आपको टेस्ट देता है। मसालों की तादाद आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग मिर्ची कम खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए, तो फिर आप अपनी मिर्ची अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं इसके अंदर, बहुत ही अच्छा सा एक कलर आया है। देखें, ये देखें, ये हमारे पास था। हम हल्का सा जो है इस पे आंखों पे जो है वो ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, हल्के हाथों से बिल्कुल जो है वो हम इसको जो है वो बनाएंगे जैसे कबाब की रेसिपी होती हैं, या आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको गोल शेप दे रही हूँ, आप लंबाई में भी दे सकते हैं, आप इसको जो है वो चकोन शेप भी दे सकते हैं, या आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस शेप में बनाते हैं। तो मैं इसको गोल शेप में बना रही हूँ। ये देखें, आप इस तरह से रखते जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ख़ास तौर पे आप शाम की चाय जैसे पीते हैं उसमें अगर आप बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो टेस्ट आता है। इस तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से मैंने जो है वो सारे कबाब जो है वो बना लिए हैं गोल शेप में। अब इसको हम तलेंगे, देख सकते हैं मैं इसको तल रही हूँ, और आपने बहुत ही हल्के हाथों से इसको डालना है ताकि ये टूटे ना। आपने इसकी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखें लुक आएगी इसकी। आपने इस तरह से एक एक करके इसको जो है वो तल लेना है। आप इसके ऊपर ऑयल को आप डालें ताकि जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। देखें, इसका कलर आना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आना शुरू हो गया है। ये देखें, वो तो ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो गया इसका। आपने इसको लाइट ब्राउन करना है।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी जो है वो और भी वीडियोस ऐसी मिलती रहें। ये आप देख सकते हैं, आपने इसको लाइट ब्राउन करना है ताकि जो है ये अच्छे से बन जाए। चाय के साथ बहुत शौक से खाए जाते हैं। आपने इसको आस्ता आस्ता करते रहना है। अब आप इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको प्लेट में निकालेंगे। ये देखें देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर है। इस तरह ही हम सारे बना लेंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है। आप ये देख सकते हैं, ये देखें, आप इसको तोड़ के देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो लुक आई है इसकी। और साथ में मैंने ये ग्रीन चटनी बनाई है, तो आप केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं, दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही यमी बने हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।